ले सकते हैं, वो किस तरह से लेंगे, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आप स्क्रिल के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, आप नेट टेलर के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं, बट मुझे इजिएस्ट वे लगा है स्क्रिल का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्रिल के थ्रू पेमेंट किस प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप। तो आपको सिंपल से वे में बता देता हूँ कि आपको साइन अप कैसे करना है और क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है। हालांकि मैंने साइन अप कर लिया, फिर भी आप सब लोगों के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भरनी है, ईमेल आईडी आप जैसे ही भरेंगे, आपने ईमेल आईडी भर दी, ईमेल आईडी के बाद आप कोई भी पासवर्ड रख लेंगे, यहाँ पर हम पासवर्ड रख लेंगे, ये हमने पासवर्ड रख लिया, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नाम भरना है, यहाँ पर आपको नाम भरना है, जैसे मेरा नाम है अमन सिंह, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ओके, यहाँ पर करना है आपको नेक्स्ट। आपको आप इंडिया में रहते हैं और INR पे आपको पेमेंट चाहिए, आपको करना है नेक्स्ट। यहाँ पर भरना है आपको अपना हाउस एड्रेस, सिटी भरनी है आपको, और यहाँ पर आपको भरना है अपना पिन कोड, ठीक है। जैसे ही सब कुछ करेंगे तो उसके बाद करना है नेक्स्ट। यहाँ पर आपको भरना है मोबाइल फोन, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करके ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका अकाउंट सिंपली ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, और आपको एक मेल आएगा, आपको उसे वेरीफाई करना है। आप जैसे ही इन स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे, आपका स्क्रिल का अकाउंट खुल जाएगा, और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भर के इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर रखा है, आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर लेना है। जिन लोगों को टू फैक्टर नहीं पता, एक बार यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेंगे टू फैक्टर क्या होता है इस वीडियो को खत्म होने के बाद। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया और ये हो गया है लॉगिन। दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है, ये भी लॉगिन हो गया है। आपको उसके बाद क्या करना है, आपको यहां पर आ रहा है, आपको आना है कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स में। जैसे आप कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स में आएंगे, यहां पर देखिए मैंने अपना वीजा कार्ड्स और एक बैंक अकाउंट को ऐड कर लिया है। मैं आपको सिंपली बता देता हूं आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है। आपको वीजा कार्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बैंक अकाउंट ऐड करिए। मैं आपको वीजा कार्ड का बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर क्लिक करके हम बैंक अकाउंट का ऐड करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया, यहाँ पर हमें स्विफ्ट कोड भरना है। आप अपनी ब्रांच में कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से अपना स्विफ्ट कोड दे सकते हैं। ये इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अकाउंट नंबर भरना है, यहाँ पर अपना IFSC कोड भरना, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करके ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप वीज़ा कार्ड एंटर करना चाहते हो, आपके कुछ पास जो भी वीज़ा कार्ड होगा, आप वीज़ा कार्ड को डालेंगे, वीज़ा कार्ड को डालने के बाद उसकी सारी डिटेल डाल देंगे। ये आपके अकाउंट से 1 point something से लेकर 2 point something यूरोज, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 100 से लेकर 200 रुपए डिडक्ट कर लेंगे उसी समय, और कार्ड को वेरीफाई करने के लिए। और आपकी स्टेटमेंट में कोड आएगा जो आपको यहाँ पे भरना है, और वीजा कार्ड आपका वेरीफाई हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, और इसमें आपके 200-300 रुपए लग सकते हैं, बट अकाउंट बैंक अकाउंट का आपका मीडियम बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप ये सब कुछ कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी सभी फॉर्मेलिटीज हो जाती है कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करके हम करेंगे डिपॉजिट, डिपॉजिट पर सबसे पहले क्लिक करेंगे, सो दैट हम बिटकॉइन स्क्वायर कर पाए और देख सकें कि कौन कौन सी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर बिटकॉइन से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, नेट टेलर, मैनुअल बैंक ट्रांसफर और क्रेडिट डेबिट कार्ड से। हम बिटकॉइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 1% प्रोसेसिंग फीस है, यानी कि अगर 10,000 रुपये डालते हैं तो 100 रुपये ये डिडक्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सपोज मैं 2,000 रुपये डालता हूँ, तो और यहाँ पर डाल देता हूँ ईमेल जिसके ऊपर मुझे कंफर्मेशन चाहिए, ये डाल दिया मैंने ईमेल आईडी। यहाँ पर करेंगे हम प्रोसीड, यहाँ पर करेंगे हम बिटकॉइन के ऊपर क्लिक, हमें बिटकॉइन से पे करना है। यहाँ पर दिखेगा QR कोड, इस QR कोड में आप ब्लॉकचेन से अगर स्कैन करेंगे या फिर जेपी से स्कैन करेंगे तो ये QR कोड नहीं काम करेगा। आपको बिटपे का वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में, और सबसे पहले बिटकॉइन आपको बिटपे के एप्लीकेशन में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, फिर ये ट्रांसफर होगा। इसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इसको स्कैन कर लेते हैं, अपने फ़ोन से इसको स्कैन कर लेता हूँ। ये कर लिया मैंने स्कैन, और मैं इसमें ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ। जैसे ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पर विंडो आपको दिखाई देगी,
और यहाँ पर मैंने प्रोसीड टू पे के ऊपर कर दिया है क्लिक। ये देखिए दिस वॉयस हैज़ बीन पेड, यानी कि इसमें बिटकॉइन मेरा आ गया है 2000 रुपये का। तो रिटर्न टू पे सेव यूरो, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर चला जाऊँगा। देखिए यहाँ पर 2000 रुपये शो हो रहे हैं, ये आपको सिक्स कंफर्मेशन जो ब्लॉकचेन की कंफर्मेशन होती है उसके बाद शो करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है विड्रॉल के ऊपर। आप विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको भरना है अमाउंट। मैं यहाँ पर अमाउंट भर रहा हूँ, यहाँ पर 2 से लेकर 5 दिन का समय बोल रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये 1 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट आ जाती है। INR ये 448 रुपीज़ फीस चार्ज होगा, चाहे आप 10,000 में निकालिए 20,000 निकालिए, इतना फीस ही आपका चार्ज होगा। तो इसके ऊपर हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक आपको कंफर्म करना है फिर से, और कंफर्म करने के बाद विड्रॉ मनी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 0-0 हो जाएगा, बैंक ट्रांसफ़र लग चुकी है 1552 रुपये की। ये देखिए माइनस हो चुके हैं, आज 22 तारीख हुई। तो दोस्तों अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है इस विड्रॉल सिस्टम को लेकर, मुझे लगता है मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश की और एक एक पॉइंट को कवर किया है। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा और ये पूरा मेथड समझ आया होगा। समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों के मन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं कि विड्रॉल कैसे ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपके सामने ऐड कर देना चाहता हूँ कि उस QR कोड को आप स्कैन नहीं कर सकते। आपको BTC आपका कहीं पर भी पड़ा है, चाहे वो पोलोनेक्स पे पड़ा है, बिट्रेक्स पे पड़ा है, बायनांस पे पड़ा है, जो बिट पे पड़ा है, उसको आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा बिटपे का। बिटपे के एप्लीकेशन डाउनलोड करके, वो भी एक वॉलेट है, सिंपल एक वॉलेट है, उस वॉलेट में आपको BTC ट्रांसफर कर लेना है। और यहाँ पर जब QR कोड स्कैन करेंगे उस एप्लीकेशन बिटपे के थ्रू, तो आपका BTC यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, 448 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। मुझे उम्मीद है आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, बट अभी भी दोस्तों मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला होगा कि कौन सा स्टेप कैसे करना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा कि आप उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको एक बताऊंगा अगली वीडियो में कि आप एक क्रेडिट कार्ड जैसा वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड मंगवा सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको कार्ड मिल जाएगा और किसी भी ATM के थ्रू आप उस कार्ड में से पेमेंट निकलवा पाएंगे।